नंदकुमार बघेल के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर किए गए टिप्पणी पर बजरंग दल खासा नाराज है। बता दें कि पिछले कई दिनों से धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध सुर्खियों पर बना हुआ है, तो वहीं उन पर अपमानजनक टिप्पणी कर नंदकुमार बघेल भी चर्चा का विषय बन गए। इसी बीच दुर्ग में बजरंग दल ने भी उनके इस ट्वीट का विरोध किया, जहां प्रतिकार स्वरूप बजरंगियों ने नारेबाजी की और पुतला चलाया। आक्रोश रैली में अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए हिंदूवादी नेताओं ने नंदकुमार बघेल की टिप्पणी की निंदा की, साथ ही अन्य प्रदेशों में हिंदूवादी संगठनों पर हो रहे हमलों पर कड़ी आपत्ति भी जताई। असम में हमारे कार्यकर्ता बंधुओं की हत्या, निर्मम हत्या, अब ये हिंदू समाज नहीं सहेगा और बजरंग दल पूरे देश में एक्टिव होकर ये ज्ञापन के माध्यम से शासन प्रशासन को सूचना कराना चाहता है कि अगर कोई ऐसे एक्शन नहीं लिया गया इन विरोधियों के ऊपर में, तो हम अपने एक्शन और आंदोलन को उग्र करेंगे। नंद कुमार बघेल जी के द्वारा बार बार ये बयान सुनने में आता है और कई बार आपने भी देखा होगा कि हमेशा वो हिंदू समाज को टारगेट करते हैं और कुछ समाजों को लेकर टारगेट करते हैं। पहली बात तो उनका नाम खुद नंद कुमार बघेल है, उनके साथ में एक टिप्पणी करने वाले थे क्या श्याम मानव, उनका भी नाम भगवान से जुड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण के पिताजी को ही नंद कहा जाता था ना, यही कहा जाता था ना भगवान के पिताजी को, उनका नाम ही वही है। उनके दादा परदादा ने उनके अच्छे नाम अच्छे कर्म को सोच के रखे थे, उनको थोड़ी मालूम था। उनकी शादी जो हुई रही होगी उसमें भी गौरी गणेश का पूजा हुआ रहा होगा, वो अपने नाती का भी पूजा हुआ है उसमें भी गौरी गणेश का पूजा हुआ होगा। अपने घर के पूजा को वो सुधार नहीं पाते हैं और यहाँ के माइक में खड़े होकर अनाउंस करते हैं, कुछ ट्वीट में लिखते हैं, ऐसी चीज सरासर अनुचित है। श्याम मानव को और नंद कुमार बघेल जी को ये कहना चाहूंगा कि चंगाई सभा में भी वैसा ही कार्यक्रम होता है, लोगों के कमर का दर्द दूर कर लेते हैं हालेलुया बोल करके। जब करना ही है तो ईसाई समुदाय के बारे में भी बोलिए, मुस्लिम समुदाय के बारे में भी बोलिए। सिर्फ हिंदू समाज ही क्यों दिखता है? जब अभिव्यक्ति की आजादी की बात आ जाती है तो लोग हिंदू समाज सनातन समाज का उपहास उड़ा देते हैं।